इतना अच्छा है। हैरी, क्या मैं एक बाइट और खा लूं प्लीज? क्या हो रहा है? वो चीज क्या थी? एलियन को पकड़ो। हमने पृथ्वी पर गिरे इस एलियन को पकड़ा है। इसमें किसी को भी देखकर उसकी नकल निकालने की क्षमता है। इसे हम काम में लेकर बेशक मिनी फोर्स को हरा देंगे। कमाल की योजना है। योजना लागू करो। मैं इस एलियन को अपने काले जादू से वश में कर लेता हूँ। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? जो पूछूं वो बताओ। मेरा नाम जॉनी है। मैं कैपलर ग्रह से आया हूँ, जो पृथ्वी से 4.9 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। बहुत खूब, अब तुम मेरे हर आदेश को मानोगे? जी सर, मैं जरूर मानूंगा। इसका मतलब मिनी फोर्स का अब अंत होने वाला है। दोस्तों, सुनो सब लोग, क्या तुम्हें पता भी है कि कल रात मैंने क्या देखा? हाँ, क्या देखा तुमने? फिर कहीं खाने पीने का सपना तो नहीं देखा? क्या क्या? तुम्हें कैसे? मेरा मतलब कल रात मैंने एक सच्ची उड़न तश्तरी देखी। वो मेरे कमरे के पास से गुजरी। हाँ? वाह, क्या सच में सुजैन? हाँ, मैंने अपनी इन दो आँखों से देखा। उड़न तश्तरी, तुम्हारा कहने का मतलब उड़न तश्तरी? तुम कह रही हो कि पृथ्वी पर एलियंस उतरे हैं? अरे प्यारी चमक चलो, एलियंस जैसा कुछ नहीं होता है। बहुत भोली है रे तू। वो एलियन थे, मैंने उड़न तश्तरी देखी है। वो एलियन नहीं होएगा, जरूर तुमने कोई सपना देखा है। हाँ वो थे। नहीं था। हाँ। नहीं। एलियंस पर सिर्फ बच्चे यकीन करते हैं। सच में तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने सही में उन्हें देखा, सुना तुमने? वैसे जैसा अपुन ने उसे सपना कहा है, कहीं तुम हकीकत में से सपना तो नहीं बता रहे ली? तुम्हें क्या पता? अपुन अंतरिक्ष का महान ज्ञाता विकी, अपुन जानता है कि उड़न तश्तरी जैसा कुछ नहीं होता है। वैसे अपुन को लगता है कि कम पढ़े लिखे लोगों के लिए इतना बहुत है, इसलिए तुम जैसी जिद्दी लड़की को तो अभी और पढ़ना चाहिए। हाँ। ये सब बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है इससे तुम बच जाओगे? चलो आजमा के देखते हैं। जॉनी, उस खरगोश को पकड़ के दिखाओ। जी सर।
या! हाँ, मेरी काली शक्तियों को उम्दा तरीके से दोहराया है। ये अच्छा है। होते हैं। विकी, ये अचानक से तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुम तो पूरी तरह से ठीक भी हो। एलियंस होते हैं बिडू, और वो भी यहीं आसपास ही हैं। ये जो एलियन है ना, महिला है, पर बहुत आक्रामक और खतरनाक है। इस एलियन का नाम है सुजान। किसी पृथ्वीवासी के पास ऐसी अविश्वसनीय विनाशकारी शक्ति नहीं हो सकती है। झूठी कहीं की, इतनी ताकत उसे मिलती कहाँ से यार? अपन को बुला रहे ले, चलो। डैनी ने पृथ्वी पर पहुंचे जॉनी नाम के एक एलियन को वश में किया है। क्या? एक मिनट, क्या आपने एलियन कहा है सर? तो सुजैन ने सच में उड़न तश्तरी देखी है। जॉनी के पास इंसान के हथियारों और क्षमताओं को दोहराने की शक्ति है। इस एलियन से बहुत सावधानी से निपटना होगा। इससे पहले कि वो अपन लोग को परखे, अपन लोग वो मिशन जल्दी खत्म करेंगे। हवा में बातें मत करो, फौरन जाओ और जॉनी को बचाकर उसे वापस अंतरिक्ष में भेजो। सर, यस सर। तैयार हो। आखिर तुम आ ही गए मिनी फोर्स। डैनी, इस एलियन के साथ तुम क्या करने की सोच रहे हो? फालतू के सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। साथियों, हमला करो। मैं तुम्हें एलियन की ताकत दिखाता हूँ जो सबसे अलग है। तो ये एलियन जॉनी है? जॉनी उठो, डैनी तुम्हें गलत इरादों से इस्तेमाल कर रहा है। इसका कोई फायदा नहीं है, अब ये एलियन मेरा दास है। हमला करो। क्या ये डैनी का हथियार है? विकी, ये वाकई ताकतवर है यार। चलो इस पर फोर्स वेपन से मिलकर हमला करते हैं। फोर्स वेपन तैयार। फोर्स का तैयार। हाँ, ये तो फोर्स गन है। फोर्स सोर्स तैयार हो। Yeah!
Vicky! ये बड़ा आसान है, अभी आखिरी धमाका तो करते जाओ जॉनी। जी सर। हाँ। उठाओ दोस्तों। मिनी फोर्स को मैंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया होता। रॉनी, तुम वही पाओगे जो तुम्हारे पास आ रहा है। अपुलों को माफ कर दो सर, अपुलों मिशन पूरा नहीं कर पाए। अगर रॉनी नहीं होता तो तुम खतरे में पड़ जाते। अब जब गैलियन जॉनी के पास अपनी काबिलियत के साथ साथ डैनी की काली शक्तियां हैं, तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये बताओ, क्या तुम्हें अपने शरीर में कुछ अजीब लग रहा है? मुझे कई दिनों से अपने शरीर में बहुत कमजोरी महसूस हो रही है सर। मुझे भी सर। तुम लोग जॉनी के साथ लड़ाई करते वक्त एलियन रेडिएशन के संपर्क में आए हो, तुम अब ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाओगे। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे लोग चलो तैयार हो जाओ। मेरी फोर्स तैयार हो। तैयार। क्या बकवास है, हम ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं। कमांडर सर, अब हम क्या करें? तुम्हें आगे बढ़कर जोडियक नाइट के एक उल्का पिंड को ढूंढना चाहिए, जो एलियन के शिप के साथ साथ ही गिर गया था। हमें लगता है कि ईस्ट रिवर के पुल के आसपास कहीं होना चाहिए। अगर हमें वो पत्थर मिल गया तो हम फिर से ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे। हाँ बिल्कुल, एलियन रेडिएशन के असर को निष्प्रभावी किया जा सकता है सिर्फ तभी जब जोडियक नाइट की शक्तियों का इस्तेमाल किया जाए। तो अब उन लोग को तुरंत ट्रांसफॉर्म। अपन भूल गया था कि ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। जब तुम ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते हो तो मिशन को पूरा करने में खतरा हो सकता है, इसलिए मैंने रॉनी को मदद के लिए बुलाया है। अगला आदेश आने तक तुम सबको किसी सुरक्षित जगह पर इंतजार करना होगा। जोडियक नाइट एक ऐसी चीज मौजूद थी, उससे मैं सारी एलियन पावर को अपने पास में कर सकता हूँ। अगर ये उनका पिंड पहले मिनी फोर्स को मिल गया तो वो एलियन को सम्मोहित करने की मेरी सारी योजना पर पानी फेर देंगे। हमें उनसे पहले उस तक पहुंचना होगा, जल्दी करो। यस सर। अब जब अपुन को पता है कि यूएफओ सच में होते हैं, अपुन को सुजैन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। हे दोस्तों, क्या हो रहा है? सुजैन, क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? मेरे पास तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट्स हैं, और तुम मूंगफली भी खा सकती हो। वाव विकी, तो आज क्या खास है? हाँ अपुन को बस अफसोस है। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ किताबें पढ़ी और मुझे लगता है कि तुम सही थे, कोई उड़न तश्तरी और एलियंस नहीं होते। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? एलियंस होते हैं और यूएफओ भी होते हैं। पर तुमने कहा था कि वो नहीं होते विकी। तब की बात और थी, लेकिन अब सुजैन, जो तुमने देखा वो यूएफओ ही था। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बहुत मेहनत करके इस नतीजे पर पहुंची हूँ और अब तुम कह रहे हो कि एलियंस होते हैं अचानक से? तुम्हारे पास सबूत है क्या? हाँ बिल्कुल है। अच्छा तो क्या है, क्या है, क्या है? देखो वो हम बता नहीं सकते। वो एक सीक्रेट है। क्या क्या मतलब कि सीक्रेट है? सुजैन, एलियंस होते हैं, एक मैंने खुद नहीं 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 वो देखो, तुमने जो पहले कहा था तुम्हें उस पर टिके रहना चाहिए। वाकई सुजैन को समझ नहीं आ रहा है, शायद इसलिए क्योंकि वो किताबें नहीं पढ़ती, उसे वाकई में कुछ भी नहीं पता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से वही बात कहने की? तुम्हें लगता है कि तुम फिर से वही कर सकती हो? अब मैं और नहीं सह सकती। क्या तुम सारे लाए? <आगा। laughs>
उसे यहीं कहीं होना चाहिए। वो रहा ज़ोडियक नाइट। मिल गया। हमारे शरीर में से एलियन रेडिएशन निकल रहा है। वाह, मेरी शक्तियाँ वापस आ रही हैं। तो बेडू लोग तैयार हो? बिल्कुल वक्त नहीं है। डैनी इंसानों पर हमला करने वाला है, हमें उन्हें तुरंत रोकना होगा। फौरन निकलो। सर, यस सर। मिनी फोर्स तैयार हो। तैयार। उस बेचारे एलियन का फायदा उठाना बंद कर डैनी। इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं मिनी फोर्स। जॉन, इन्हें बताओ मैं क्या कह रहा हूँ। अब उनको नहीं लगता कि तुम्हारा कोई फायदा होगा। वेपन तैयार। उसने फिर हमारे हथियारों की नकल की। हाया। तुम्हें पता नहीं था ना कि ये गन्स नकली है। हमारा प्लान काम कर गया। अब अपन लोग तुम्हें असली फोर्स वेपन दिखाते हैं। फोर्स वेपन तैयार। जॉनी अपने होश में आओ। डैनी की बात मानना बंद करो। अब उन लोग तुम्हारे घर वापस भेजने में मदद करेंगे। फोर्स बो तैयार। फोर्स स्ट्राइक तैयार। फोर्स स्ट्राइक हमला। तुमने मुझे मजबूर किया। ठीक है, अब देखो, देखते हैं तुम इसे कैसे झेलते हो। जॉनी, ये काली शक्ति तुम्हारे लिए। बहुत विशाल हो गया है। फोर्स कास्ट बुलाने का वक्त आ गया है। फोर्स कास्ट तैयार। तैयार। ना, पहले तुम्हें मैं मजा चखाता हूं। मैक्स, ये बहुत ताकतवर है। अब उन लोगों को साथ में हमला करना पड़ेगा। Oh!
कहाँ गया? मेरे लोग ध्यान से। ये इमरजेंसी है, हमारी लगभग सारी शक्ति खत्म हो चुकी है। ऐसा ही रहा तो हम हार जाएंगे। शांत रहना मामू, इसका कोई फायदा नहीं। अपन लोग को प्रोफेसर ताओ के हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। हरिकेन सोल, लेज मशीन गन, ड्यूअल फ्लैश गन, थंडर ट्रांसफॉर्मर। अब वाट लगा दो। ठीक है, बहुत हुआ। अब ये ले। हाँ, मैं ठीक हो गया। शुक्रिया दोस्तों, मैंने जो किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं अपने घर वापस जाकर भी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। गुड बाय दोस्तों। गुड बाय जॉनी।